हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने ये रात में बास्केट धो के रखी थी, तो चाय पीने के बाद मॉर्निंग में मैंने सोचा ये बास्केट सूख गई है तो आलू प्याज वगैरह ही मैं इसमें रख देती हूँ। तो हम ये मार्केट गए थे तो ये सब्जी लेकर आए थे, तो मैं इसको जो है ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जो है पूरी फैल के रख जाते हैं सारे आलू प्याज, और मतलब हवा लगती रहती है इन आलू प्याज सब्जियों में, तो हवा लगती रहती है तो ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है, तो ये फ्रेश रहते हैं क्योंकि आलू जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि मैं जब रूम में आई तो मैंने देखा कि पूरा स्टडी टेबल ही पूरा बिखरा हुआ है। रात में बच्चे पढ़े थे तो उन्होंने बुक्स वगैरह सारी फैली हुई थी, तो मैंने जो है मैंने सोचा सबसे पहले इसे ही ठीक कर लूँ मैं। तो आज मुझे पीटीएम में भी जाना था बच्चों की, और मैं जब मुझे पीटीएम में जाना होता है ना तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती क्योंकि पीटीएम में जाने के लिए लेट हो जाती हूँ मैं, तो ज़रूरी ही काम करती हूँ। और आप देख रहे होंगे इस टेबल लैंप को, ये टेबल लैंप बहुत ही ज़्यादा पुराना है क्योंकि जब हस्बैंड पढ़ते थे ना तो तभी का है ये टेबल लैंप, तो ये यादगार चीज़ें रह जाती हैं जो कि हम उसे भूल ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसे टेबल पे रखती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में मैं आलू के पराठे बना रही थी क्योंकि ये सबके फेवरेट है हमारे यहाँ, और थोड़ा हैवी भी हो जाता है नाश्ता। ये आलू के पराठे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर मॉर्निंग में इसे खा लो ना तो लंच भी नहीं करोगे तो तब भी काम चल जाता है, तो ये हैवी नाश्ता होता है। तो मुझे पीटीएम में भी जाना था तो इसी वजह से मैंने कहा चलो लेट भी हो जाएगा वहाँ पर तो लंच नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये जो है मैं आलू के पराठे मैं बहुत पतले बनाती हूँ, हैवी पराठे नहीं बनाती क्योंकि हमारे यहाँ हैवी पराठे खाना पसंद ही नहीं करते आलू के, तो बहुत ही पतले और पराठे बनाती हूँ मैं, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सेकती हूँ, क्रिस्पी नहीं सेकती, सॉफ्ट ही पराठे हमारे यहाँ पसंद करते हैं। तो देखिए गाइस, आप सुन रहे होंगे कि हमारी बिल्डिंग के नीचे एक कबाड़ी वाला आया था तो उसकी भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो गई है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं पीटीएम में, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे तो हस्बैंड भी नीचे खड़े थे, और इसके बाद हम स्कूल पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि पीटीएम का बोर्ड कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है टीचर्स ने, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था क्लासरूम का, और हमारा नंबर आने वाला था और पेरेंट्स पीटीएम अटेंड कर रहे थे, और यहाँ पर पीटीएम अटेंड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि बेटे की क्लास ऊपर थी, तो हम लोग फिर पीटीएम अटेंड करने के बाद नीचे जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे की वजह से यहाँ पर स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किए थे पेरेंट्स के लिए गेम्स, तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे पेरेंट्स। और आप देखिए यहाँ पर रेस हो रही थी पेरेंट्स की, यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं गई थी, तो पेरेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया था। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है बुक्स गाइस, अब हम आ गए हैं पीटीएम से, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं गाइस, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें पीटीएम में, और इस क्योंकि स्पोर्ट्स डे की वजह से पेरेंट्स के गेम्स चल रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, लेकिन बस ये है कि स्पोर्ट्स शूज पहनना मैं भूल गई थी। मैसेज तो आया था स्कूल से कि पेरेंट्स के हम लोग गेम्स करवाएंगे, लेकिन बस ये है कि दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था कि मुझे स्पोर्ट्स शूज भी पहनने हैं, क्योंकि मैं पीटीएम में स्पोर्ट्स शूज़ पहन के कभी जाती नहीं हूँ, इसीलिए ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी शूज़ पहनने का। काफ़ी मन कर रहा था मेरा भी और पेरेंट्स को देखकर, और इसीलिए बहुत ज़रा लंबी पीटीएम चली क्योंकि हम लोग तो जल्दी आ गए थे क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को छोड़ के आए थे, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अब हम। और वो तो अच्छा है कि हम मॉर्निंग में हैवी नाश्ता करके गए थे, और अब हो रहा है 1:30 का टाइम और बहुत हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी मैं, और देखती हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ मैं पुलाव भी बनाऊंगी
और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा ब्लॉग को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।